दोस्तों YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेआईबी सेवियर बैंक प्रमोशन के संबंध से हम यहाँ बात कर रहे हैं। जेआईबी का एएफबी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स मॉड्यूल बी पर यूनिट नंबर 7 है, बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर चैप्टर का नाम है। यहाँ एक छोटे अनाउंसमेंट करना है वीडियो कोर्स स्टार्ट करने से पहले। यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार के कोर्सेज, शॉर्ट टर्म और इन डेप्थ वीडियो, दोनों के दोनों ही कोर्सेज आपके अकाउंट में रहेंगी। शॉर्ट टर्म कोर्स का सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आपका समय कम है, मान लीजिए 10 मिनट का भी अगर आप समय निकाल के पढ़ते हैं तो आराम से पेपर को आप पास कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो लेक्चर लेंथ जो होता है ये 16 घंटा का, इसमें वीडियो लेक्चर की लेंथ होती है 55-60% नंबर आराम से आ जाता है। दूसरा है इन डेप्थ वीडियो, यहाँ पर 75% नंबर एंड अबव के लिए आपको हर दिन आपको 1 घंटा पढ़ना चाहिए। वीडियो लेक्चर की जो लेंथ रहेगी यहाँ पर 80 घंटे की वीडियो लेक्चर की लेंथ रहती है। दोनों जगह आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, केस स्टडी का वीडियो है, 3500 क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट रिविजन नोट्स है, यहाँ पर वैलिटी 6 महीना, यहाँ वैलिटी लाइफ लॉन्ग है। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये, अकाउंटिंग करेंगे दाम 1000 रुपये, दाम 1500 रुपये, लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये, कॉम्बो करेंगे दाम 2000 रुपये, दाम 3000 रुपये। यहाँ पे जेबी का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स पर मॉड्यूल बी यूनिट 7 है, बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर है, हमारा चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि हम रिकॉर्डिंग स्टेज पे कौन कौन से कंसेप्ट को यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, एट रिकॉर्डिंग स्टेज, जब रिकॉर्डिंग स्टेज होता है तो उस समय कौन कौन से कंसेप्ट को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। इसमें कई सारे कंसेप्ट हैं, हमारे कंसेप्ट को बाद में पढ़ेंगे। पहला है कॉस्ट कंसेप्ट, दूसरा रिलेशन कंसेप्ट, तीसरा है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, चौथा है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, चौथा है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, पांचवा है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, छठा है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कंसेप्ट। तो पहला कौन सा हो गया, कॉस्ट कंसेप्ट, दूसरा हो गया रियलाइजेशन कंसेप्ट, तीसरा हो गया मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, चौथा हो गया ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, पांचवा हो गया बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, छठा हो गया हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कंसेप्ट। पूरा क्लियर हो रही बात, आपको सब कुछ समझ में आ रही होगी। ये सारी चीजों के ऊपर क्या है कॉस्ट कंसेप्ट, क्या है रिलेशन कंसेप्ट, सारे हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट लिख लो पहले। ये हो गया रिकॉर्डिंग स्टेज पे। अब दूसरा पॉइंट है, रिकॉर्डिंग हो गया, अब रिपोर्टिंग स्टेज होता है। ठीक है, तो अब रिपोर्टिंग स्टेज पे हम कौन कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं, एट रिपोर्टिंग स्टेज पे हम कौन कौन से कंसेप्ट को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो रिपोर्टिंग स्टेज में जैसे कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हो गया, फुल डिस्क्लोजर वाला हो गया, जैसे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, दूसरा है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट है, तीसरा मैचिंग कंसेप्ट है, चौथा मेटालिटी कंसेप्ट है, पांचवा है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है, छठा है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, सातवां है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। तो पहला हो गया गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, दूसरा हो गया फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट, तीसरा हो गया मैचिंग कंसेप्ट, चौथा हो गया अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, पांचवा है ठीक है पांचवा है मेटालिटी कंसेप्ट। ठीक है, छठा है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, सातवां है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। आ रहा समझ में अच्छे से, ये सारे रिपोर्टिंग स्टेज के हो गए आपके कंसेप्ट को, कौन कौन से कंसेप्ट हम यूज करते हैं। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट लिख लीजिए।
तीसरा पॉइंट है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की अगर हम बात करेंगे तो अकाउंटिंग हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं, जहाँ पे जो बिजनेस हाउस होते हैं उस माध्यम से वो कम्युनिकेट करते हैं। यानी लैंग्वेज बिजनेस का अकाउंटिंग उसी के माध्यम से कम्युनिकेट करती है, बताते हैं कि बिजनेस सक्सेसफुल है, फेलियर है, बिजनेस में कितना ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स है, ये सारी बातें आ गई। ठीक है, हम बोल सकते हैं अकाउंटिंग इज कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, थ्रू विच द बिजनेस हाउस नॉर्मली कम्युनिकेट्स। तो क्या बोलते हैं इसको, लैंग्वेज बिजनेस बोलते हैं जिसके हेल्प से बिजनेस हाउस कम्युनिकेट करता है। फिर चौथा पॉइंट है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे, कहाँ, रिकॉर्डिंग स्टेज पे पढ़े थे। कहाँ पढ़े थे हम इसको, एट रिकॉर्डिंग स्टेज पे हम पढ़े थे इसको। ठीक है, तो यहाँ बोलता है कि हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग ही है ना, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं हम लोग बुक ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, और वो भी कॉस्ट प्राइस पे, जो भी आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं बुक ऑफ अकाउंट्स में कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स एट कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस पे बुक ऑफ अकाउंट्स में हम इसको रिकॉर्ड करते हैं जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है, बल्कि हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन को। ठीक है, दूसरा पॉइंट, फिक्स्ड एसेट्स को हम परचेज करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स क्या चीज़ें परचेज करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करेंगे कॉस्ट, सॉरी फिक्स्ड एसेट्स जो हम कंसीडर करते हैं वो होता है कॉस्ट प्राइस, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो बोलेंगे क्या कि जो फिक्स्ड एसेट्स है आर कैप्ड एट कॉस्ट प्राइस ऑफ परचेज एंड नॉट देयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, जो फिक्स्ड एसेट्स होता है उसको हम कॉस्ट प्राइस पे रखते हैं जो भी परचेज किया हुआ है, ना कि उसका मार्केट वैल्यू। ठीक है, ना कि उसका मार्केट वैल्यू, याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट है हर एक ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू पे, ना कि फ्यूचर वैल्यू पे। ठीक है, हम बोलेंगे एवरी ट्रांजेक्शंस इज रिकॉर्डेड विथ प्रेजेंट वैल्यू एंड नॉट एनी फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, तो हर एक ट्रांजेक्शन जो होता है इसको हम रिकॉर्ड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू में, ना कि कोई फ्यूचर वैल्यू पे। ठीक है, फिर अनरियलाइज्ड गेन्स को इग्नोर करना। जैसे मान लीजिए फिक्स्ड डिपॉजिट है तो हर दिन उसको ब्याज मिलते रहता है, या मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया है पता चला मार्केट में इसकी कुछ रेट आपको बता रहा हूँ बढ़ा के, तो बट वो अनरियलाइज्ड गेन है, अकाउंट में तो आया नहीं आपको। ठीक है, इसमें बोलेंगे अनरियलाइज्ड गेन्स जितने भी होंगे उसको इग्नोर कर देना है, अनरियलाइज्ड गेन्स आर इग्नोर्ड। ठीक है, इसको क्या करना है, इग्नोर करना। पांचवा पॉइंट, वैसा आइटम
जिसमें कोई भी कॉस्ट लगाए नहीं, ऐसा कुछ सामान है जिसमें कुछ भी प्राइस आपको पे ही नहीं करना पड़ा, उस तरह का आइटम को हम नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि एन आइटम डेट हैज नो कॉस्ट इज नॉट टेकन इन बुक्स। कोई आइटम जो है जिसमें कोई कॉस्ट नहीं लगा तो हम उसको बुक्स में नहीं लेंगे। ये सारी पॉइंट्स यहाँ पे हमारे पास दो तरह के कोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म और इंडेप्थ वीडियो, दोनों दोनों कोर्सेज आपके अकाउंट में रहेंगी। शॉर्ट टर्म कोर्स का सबसे बड़ा फायदा है कि जहाँ समय कम हो, मान लीजिए आपके पास 10 मिनट का ही समय निकलता है, 10 मिनट के भी अगर समय देके पढ़ते तो आराम से पेपर को पास कर पाएंगे। वीडियो लेक्चर लेंथ जो होती है 16 घंटे का वीडियो लेक्चर इसमें लेंथ होता है। इंडेप्थ वीडियो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो 75% एंड अबव नंबर लाना चाहते हैं। यहाँ आपको हर दिन 1 घंटे का समय निकाल के पढ़ना चाहिए। 80 घंटे का वीडियो लेक्चर की इसमें लेंथ होती है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है। केस स्टडी का वीडियो 3500 क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट डिवीजन नोट से। यहाँ वैलिडिटी 6 महीना, यहाँ वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे दाम 1000 रुपये, यहाँ दाम 1500 रुपये। लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये। कॉपी करेंगे दाम 2000 रुपये, यहाँ दाम 3000 रुपये। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 4×9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcabstudiomedia.com। ईमेल आईडी हो जाएगा sirsinha123@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।